इंदौर ऑनलाइन कंपनी के मैनेजर ने जांच के नाम पर कंपनी के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद मृतक के परिजन और समाजजन आईजी हरि नारायण चारी मिश्र से मिले और आत्महत्या के लिए उकसाने वाले आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। गौरतलब है कि बिग बास्केट कंपनी द्वारा लगाए गए 3 करोड़ के घोटाले के आरोप से परेशान होकर कंपनी के मैनेजर नीतेश मित्तल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी। मामले में मृतक नीतेश मित्तल के परिजन और समाजजन आईजी हरि नारायण चारी मिश्र से मिले और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बहुत बड़ी घटना घटी 4 दिन पहले। हमारे एक समाज के व्यक्ति मितेश मित्तल जी, वो बिग बास्केट कंपनी में काम करते थे, उनके ऊपर कुछ अधिकारियों द्वारा मिली भगत कर 3 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया गया और लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि आप आपके प्रॉपर्टी के पेपर लाइए, बीबी के जेवर लाइए, जो भी आपके पास है सब सामान ला के दें, अन्यथा हम आपको जेल में करा देंगे, बंद करा देंगे। इतना दबाव बनाया गया कि आखिर उन्होंने आत्महत्या कर ली 5 सल्फाक्सिस गोली खाकर। आज उनका 2.5 साल का बच्चा है, वाइफ है, आप देखने पूरा परिवार देखा आपने, बड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो आज हमने आईजी साहब से मिलकर, श्रीमान हरि नारायण जी से मिलकर ये मांग रखी है वेश महासम्मेलन की ओर से कि उनको आरोपियों के ऊपर तत्काल कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कांग्रेस पार्टी भी उसमें उनकी पूरी तरह से साथ है। आपका सुनना शैलेश गर्ग, अंतर्राष्ट्रीय वेश महासम्मेलन, प्रदेश उपाध्यक्ष।